राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में ग्वालियर चंबल संभाग की जिलों के अलावा राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर व टीकमगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना बताई गई है। प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है अगले 24 घंटों में भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रीवा व सागर संभाग के अनेक स्थान और जबलपुर व शहडोल संभाग के कुछ स्थानों में भी बौछारें पड़ सकती हैं। बीते 24 घंटे के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा। इसके चलते रतलाम में 120 मिलीमीटर, शाजापुर में 83 मिलीलीटर और पचमढ़ी में 56 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मानसून विज्ञानी अशफाक हुसैन के अनुसार वर्तमान में उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ इसी सिस्टम से होकर त्रिपुरा तक जा रहा है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा। होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर व शहडोल, सागर, जबलपुर संभाग के अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। प्रमुख रूप से कठीवाड़ा, जोरा, महितपुर 26 सेंटीमीटर, जीरापुर 22 सेंटीमीटर, पिछोर 21 सेंटीमीटर, झरदा 19 सेंटीमीटर, अलीराजपुर गरोट 16 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसकी वजह एक लो प्रेशर एरिया जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल एमपी में था, वह मानसून ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के सतना से होकर गुजर रही थी। आगामी 24 घंटों में भारी से अति भारी व बिजली गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना कहीं कहीं ग्वालियर व चंबल संभाग के जिलों में है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।